सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज, सीमेट एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना पूरा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल करना है। एंड ये वीडियो देख के गाइज आप घर बैठे अपना पूरा जो फॉर्म है वो फिल कर पाओगे, इसकी गारंटी मैं आपको दूंगा। बस वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी एंड डिटेल में समझ में भी आएगा कि कैसे आपको पूरा जो फॉर्म है वो कंप्लीट करना है। तो सीमेट एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा गाइज ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके ऊपर क्लिक करके गाइज आपको ये वेबसाइट जो है वो दिखेगी। तो यहाँ पे गाइज लेटेस्ट न्यूज़ में एक जो लिंक है वो दी हुई है, क्लिक हियर टू रजिस्टर एंड लॉगिन, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गाइज बॉटम में एक न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर के एक जो बटन है वो हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस ग्रीन वाली बटन पे जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके गाइज हमें सबसे पहले तो हमारी सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो देखने को मिल जाएगी। तो ये आप पढ़ सकते हो, इसमें यही लिखा है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है जैसे ओपन से, तो जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनको 2000 रुपये लगेंगे एज अ एप्लीकेशन फ़ी, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उन्हें 1000 रुपये लगेंगे, एंड जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं मेल फीमेल उन्हें जो है वो 1000 रुपीज़ जो है वो एज अ फ़ी पे करना पड़ेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको एक आई हैव डाउनलोडेड एंड रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऐसा ऑप्शन मिलेगा, उसको टिक करना है एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शंस है वो मिलेंगे लॉगिन एंड रजिस्टर करने के लिए। तो जैसे है यहाँ पे आई हैव आधार कार्ड नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग आधार कार्ड नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे ABC ID, डिजी लॉकर, पैन कार्ड, तो जिस भी ID से आपको रजिस्टर करना है उसके ऊपर आपको टिक करना है। तो दो सबसे ईजी ऑप्शन है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो फिर जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है उस पे जो है वो टिक करना एंड फिर सेव एंड प्रोसीड करना, ठीक है। मीन्स इसका मीनिंग यही है कि आपके पास कौन सा आईडी कार्ड है तो उसके बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो वही है। तो आधार कार्ड होगा तो उस पर क्लिक करो, नहीं तो पैन कार्ड। तो आधार कार्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा एंड जो भी आधार कार्ड का नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होगा उसके ऊपर OTP आएगा, तो वो OTP डाल के यहाँ पे आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। वही अगर आप पैन कार्ड डालते हो तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, एंड जो भी नंबर उससे लिंक होगा क्योंकि उससे ऊपर OTP आएगा, वो अगर आपके पास है तो उस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप ये जो प्रोसेस है वो कर सकते हो, ठीक है। ये होने के बाद गाइज आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। तो मैंने पैन कार्ड सिलेक्ट किया था तो इसलिए यहाँ पे मेरा पैन कार्ड का नंबर आया था। अगर आप आधार कार्ड सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद गाइज फिर यहाँ पे हमें हमारी जो पर्सनल डिटेल्स है वो डाल देनी है, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल देना। जब भी गाइज हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स डालते हैं तो इनके सॉफ्टवेयर में एक चीज़ है कि जब भी हम यहाँ पे कुछ भी फिल करते हैं तो ये पूरा जो बॉक्स है वो रेड कलर में हो जाता है एंड ऐसा लगता है कि कोई एरर तो नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारी डिटेल्स यहाँ पे भर देना बॉक्स में। बॉक्स में डिटेल भरने के बाद बॉक्स के बाहर एक बार क्लिक कर देना तो ये जो रेड कलर का बॉक्स है वो ग्रीन कलर में हो जाता है एंड यहाँ पे एक जो टिक है वो आता है, ठीक है। ऐसा मत समझना कोई भी एरर है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपनी सारी जो डिटेल्स है वो डाल देना है। डिटेल्स डालने के बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल्स पूछी जाएगी, तो अपनी एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे आपको डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है एंड फिर स्क्रॉल डाउन करके गाइज यहाँ पे आपको एक जो पासवर्ड है वो सेट करना है जिसमें एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल साइन एंड जो नंबर्स है वो रहने चाहिए। फिर यहाँ पे आपको ये जो सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पे डाल के सबमिट के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। ये होने के बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको अपना पूरा जो फॉर्म है उसका जो रिव्यू है वो देखने को मिलेगा, मतलब जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो एक बार यहाँ से अपने जो है वो चेक कर लेना। अगर सारी डिटेल्स सही है तो यहाँ पे आपको नीचे चेकबॉक्स मिलेंगे, तो सभी चेकबॉक्स के ऊपर जो है वो टिक कर देना, ठीक है। ऐसे टिक करते जाना, फिर IID के बटन पर टिक कर देना एंड सबमिट एंड सेंड OTP के बटन पर जो है वो कर देना है हमें क्लिक। इसके बाद गाइज जो भी आपने ईमेल एड्रेस डाला होगा उस ईमेल एड्रेस के ऊपर एक जो OTP है वो आपको आएगा, तो वो ऐसा ईमेल एड्रेस डालना जिसका पासवर्ड आपको पता है, बिकॉज उसके ऊपर OTP आएगा, तो वो OTP यहाँ पे डाल के ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालना है एंड वेरीफाई के बटन पे जो है वो कर देना है हमें क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज हमारा अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है एंड ऐसा एक जो पॉपअप है वो आपको आएगा एंड यहाँ पे आपको ओके के बटन पे जो है वो क्लिक करना है। आपका जो एप्लीकेशन आईडी है गाइज वो आपको अपने मेल पे जो है वो मिल जाएगा, तो जैसे ही ऐसा आएगा तो अपना जो मेल है जो आपने यहाँ पे डाला था वो मेल आईडी ओपन करना है एंड वहाँ पे चेक करना, आपको एक जो एप्लीकेशन नंबर है वो मिल जाएगा, ठीक है। वो एप्लीकेशन नंबर जैसे ही आपको मिलता है तो फिर आप यहाँ पे जो है वो आ जाओगे फिर से। तो यहाँ पे जो मेल पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है वो सेम एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको जो है वो डाल देना है एंड जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है
एंड ये सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे डाल के लॉगिन के बटन पे गाइस कर देना है हमें क्लिक, ठीक है। तो अभी हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, एप्लीकेशन आईडी जनरेट हुआ, एप्लीकेशन आईडी जनरेट होके यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे एंड फिर हम अपना पूरा जो फॉर्म है वो फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लॉगिन करने के बाद गाइस फिर हमें कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी हमें हमारा पूरा जो फॉर्म है वो फिल करना है एंड फिर जो पेमेंट है वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नंबर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके गई सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो पूछी जाएगी। तो मैक्सिमम जो फील्ड्स है वो पहले से भरी रहेगी बिकॉज हमने रजिस्ट्रेशन में ये सेम जो डिटेल्स है वो डाली थी। तो जो फील्ड नहीं होगा वो चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फिल कर देना है। ये फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो मिलेगा, तो उसके ऊपर जो है वो टिक कर देना है। फिर इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो पूछी जाएगी। तो पर्सनल डिटेल्स में गाइज यहाँ पे आपको कैटेगरी डिटेल्स भी पूछी जाएगी, तो जो भी कैटेगरी होगी वो आप डाल देना, अगर ओपन से हो तो ओपन डाल देना। एंड फिर आपने जो डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ जो आप दोगे, जैसे मैं पैन कार्ड दूंगा तो यहाँ पे पैन कार्ड डाला है, अगर आपका आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड डालो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना जो ये फील्ड है वो चूज़ करना। एंड फिर यहाँ पे आपको इनकम डिटेल्स एंड बाकी सारे जो डिटेल्स है वो फिल कर देना है, ठीक है। एंड आई एग्री के बटन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट जो है वो कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद गाइस फिर यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर की जो डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी। ये जो डिटेल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा सेंटर आपको जो है वो मिलना है। तो ये कैसे फिल करेंगे ये देखते हैं, बट उसके पहले गाइस अगर आप भी सीमेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमने गाइस आपके लिए सीमेट की एक जो बहुत ही अच्छी मॉक टेस्ट है वो बनाई है, जिससे गाइज आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे, साथ ही में आपको काफ़ी सारा जो कंटेंट है वो भी मिलेगा। इसमें गाइज हमने 5 फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है वो डाली है, तो जैसे ऑलमोस्ट सीमेट का पेपर आता है सेम ही पेपर आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा एंड जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो आपको इस मॉक टेस्ट में जो है वो देखने को मिलेंगे। साथ ही में प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे हमने सेक्शन वाइज जो टेस्ट है वो भी डाली है, ताकि आप सेक्शन वाइज भी जो है वो प्रैक्टिस कर पाओ। साथ ही में पूरा इंटरफेस भी ऐसा है जैसे ऑलमोस्ट पेपर में रहता है, जिससे आपकी ओवरऑल जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत अच्छी होगी। एंड एक मॉक टेस्ट आप जो है वो 3 बार दे पाओगे, तो अगर आपको और कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करना है तो वो भी आप कर सकते हो। एंड एग्ज़ाम सबमिट करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में रिपोर्ट मिलेगा कि कौन से सेक्शन में आपने कितना स्कोर किया एंड कितना टाइम वहाँ पे आपने जो है वो लिया। एंड इसका प्राइस है गाइज हमने बहुत ही कम रखा है, 149 में आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लस जो सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट है वो भी मिलेगी, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। एंड ये देखे गाइज आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे तरीके से कर सकते हो, जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब देखते हैं कि एग्जाम सेंटर में आपको कैसे जो डिटेल्स है वो फिल करना है। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे आपको अप्लाइंग फॉर का एक जो ऑप्शन है वो मिलेगा, तो यहाँ पे सीमेट का एक ऑप्शन रहेगा ड्रॉप डाउन में, तो वो आपको जो है वो टिक कर देना है। फिर यहाँ पे गाइज आपको स्टेट वाइज सारे ऑप्शन पूछे जाएंगे एंड फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ऑप्शन है वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ ये जो एग्जामिनेशन है नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, तो ऑल इंडिया के सारे जो स्टेट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब देखो मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एग्जामिनेशन का जो सेंटर है वो महाराष्ट्र में मिले। हो सकता है कि आप दिल्ली में रहते हो या फिर आंध्र प्रदेश में रहते हो, केरला कहीं पे भी रहते हो, तो जो भी आप स्टेट में रहते हो वो स्टेट आप यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करने का एक जो ऑप्शन है ड्रॉप डाउन में वो मिल जाएगा। उस स्टेट में आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप अपना सेंटर चाहते हो वो फिर आपको यहाँ पे जो है वो चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया, जैसे महाराष्ट्र में मैं अभी नवी मुंबई में रहता हूँ, तो यहाँ पे मुंबई एंड नवी मुंबई का एक ऑप्शन था वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर महाराष्ट्र में यहाँ पे और एक थाने का भी ऑप्शन था, तो थाने मैंने सिलेक्ट कर दिया। फिर और कोई ऑप्शन नहीं था नियर बाय, तो मैंने यहाँ पे फिर पुणे सिलेक्ट कर दिया महाराष्ट्र डाल के, एंड फिर यहाँ पे महाराष्ट्र डाल के मैंने नागपुर सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जो भी आपको जहाँ पे भी आपको सेंटर चाहिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्टेट में, तो पहले आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड उस स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेंटर चाहिए वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका पहला जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाएगा, फिर ये आपका सेकेंड प्रेफरेंस हो जाएगा, ये थर्ड एंड ये फोर्थ प्रेफरेंस, ठीक है। तो 4 प्रेफरेंस आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो। एंड मैक्सिमम टाइम्स होता है कि फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस में हमें जो सेंटर है वो मिल जाता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड प्रेफरेंस जो है वो सोच समझ के जो है वो डालना। फिर गाइज यहाँ पे आपको अपने फादर का क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, फादर का ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, मदर का क्वालिफिकेशन एंड मदर का ऑक्यूपेशन, एंड यहाँ पे फिर आपको सिक्योरिटी पिन डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे जो है वो कर देना है क्लिक। तो इस टाइप से आपको सेंटर डिटेल्स डालना है। फिर इसके बाद गाइज हमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में हमें 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन डिटेल्स जो है वो हमें डालना है।
तो ध्यान से सारी जो चीज़ है वो फिल करना है। यहाँ पे काफ़ी डिटेल में जो चीज़ है वो पूछी है, जैसे स्कूल कौन सा था, स्कूल का पिन कोड क्या है, तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो पूछी है। तो थोड़ा सोच समझ के चीज़ें जो है वो फिल करना, ठीक है। एंड 12th की डिटेल्स भी यहाँ पे आपको जो है वो डालना है। इसके बाद गाइस जब आप ग्रेजुएशन के डिटेल्स डालोगे तो यहाँ पे हो सकता है कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि अपने फाइनल ईयर में होंगे, तो यहाँ पे गाइस आप पास्ट के जगह अपीयरिंग का जो ऑप्शन है वो भी चूज़ कर सकते हो, तो आपको फिर रिजल्ट का जो है वो नहीं डालना पड़ेगा। तो मैं तो पास हो चुका हूँ ग्रेजुएशन 2023 में ही, तो फिर मैंने यहाँ पे पास डाल दिया। एंड यहाँ पे गाइज इतने ही जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं, अगर आपका कोर्स इनमें से कोई नहीं है तो आप अदर पे क्लिक करके खुद का यहाँ पे जो भी कोर्स होगा वो आप जो है वो डाल सकते हो। बट मैंने तो इंजीनियरिंग की थी तो मैंने यहाँ पे बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो सिलेक्ट कर दिया, एंड फिर बाकी सारी डिटेल्स भर के जो है वो सेव एंड प्रोसीड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे गाइज आप परसेंटेज में भी अपने जो मार्क्स है वो डाल सकते हो, अगर आपका रिजल्ट CGPA में लगता है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, उसका भी जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। ये फिल करने के बाद गाइज फिर यहाँ पे हमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड है वो करना है, यहाँ पे हमें फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो एंड सिग्नेचर का जो फॉर्मेट है वो JPG या फिर JPEG ही रहना चाहिए, PDF या फिर आप PNG फॉर्मेट अपलोड नहीं कर सकते हो, तो इसका ध्यान रखना। तो आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको फोटो अपलोड कर देना है, एंड वही यहाँ पे आपको अपना जो सिग्नेचर है वो अपलोड कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइज फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए क्लिक हियर के बटन पे क्लिक करना, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा, यहाँ पे आपको ये सेम कैप्चा कोड डाल देना है, सेंड OTP पे क्लिक करना, ठीक है। सेंड OTP क्लिक करके वापस OTP डाल देना तो आप फिर से यहाँ पे जो है वो आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पेज पे आओगे तो आपको लगेगा कि यार जितना फॉर्म हमने भरा वो पूरा चला तो नहीं गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आने के बाद फिर से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना तो हमारा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाइड हो गया है, ऐसा हमें जो है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये होने के बाद गाइज फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको पूरा जो फॉर्म की डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी, तो एक बार अच्छे से सारी जो चीज़ है वो चेक करना, अगर कुछ भी गलत दिखता है तो आप फिर से जो है वो एडिट कर सकते हो, तो इसका ध्यान रखना। अगर कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है, सारी चीज़ें सही लग रही है, तो यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन है डाउन साइड में वो देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे पूछा जाएगा कि सारी डिटेल्स आपकी सही है या फिर नहीं, अगर यहाँ पे भी कुछ गलत लगता है तो ठीक है, अगर नहीं गलत लगता है तो सभी चेकबॉक्स पे टिक कर देना, ठीक है, ग्रीन करके टिक 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 कर देना, एंड आई एग्री के बटन पे टिक करके फाइनल सबमिट के बटन पे जो है वो आपको कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस कुछ ऐसा आएगा, ओके के बटन पे क्लिक करना, तो हमारा अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जो है वो हो चुका है, ठीक है। अभी हमारा बाकी है पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट के लिए गाइस यहाँ पे आपको पे नाउ का बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके गाइज यहाँ पे नाउ के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे SBI या फिर HDFC, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपका अकाउंट इन दोनों बैंक में रहना चाहिए, आपको कौन से इससे पेमेंट करना है, मतलब कौन सा गेटवे से पेमेंट करना है तो वो आप चूज़ कर सकते हो। तो मैंने HDFC चूज़ किया था, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। तो UPI सबसे सिंपल है, UPI पे क्लिक करके यहाँ पे अपना UPI ID डाल देना, फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी होगा वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, पेमेंट कर देना एंड मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आके पेमेंट कर देना तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपको जो है वो कंप्लीट ऐसा जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल्ड हो जाएगा, एंड आपने सक्सेसफुली जो है वो CMAT एग्जामिनेशन के लिए जो है वो रजिस्टर कर दिया है। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद गाइज जब एडमिट कार्ड आएगा तब डाउनलोड करके एग्जामिनेशन के लिए जो है वो चले जाना है, ठीक है। तो यही प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, डिटेल में मैंने आपको सारी जो चीज़ है वो बता दी है कि कैसे आपको पूरा अपना जो फॉर्म है वो भरना है। साइड में फिर पेमेंट होने के बाद प्रिंट करने का ऑप्शन मिलता है, तो वो आप प्रिंट करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। अगर आपका पेमेंट करते टाइम कुछ भी प्रॉब्लम आता है एंड आपका पेमेंट नहीं होता है तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि योर पेमेंट हैज़ बीन अबॉर्टेड, तो इस टाइम गाइज आप फिर से पे नाउ के बटन पर जो है वो क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर गलती से आपका पेमेंट नहीं हो पाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आता है तो ऐसे आएगा, तो फिर से पे नाउ के बटन पे क्लिक करके आप पेमेंट जो है वो कर सकते हो। एंड अगर पेमेंट आपने कर दिया है सक्सेसफुली तो यहाँ पे ये भी जो है वो कंप्लीट आपको जो है वो शो होगा, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको डिटेल में बताई है, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप घर बैठे अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से पूरा जो फॉर्म है वो फिल कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस एक चीज़ का याद रखना, सेंटर डिटेल सही से डालना ताकि आपको आगे जाके कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े सेंटर से रिलेटेड, बाकी तो ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगा। इसके अलावा मैंने आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे दोनों से ये जो मॉक टेस्ट है वो दे सकते हो।
एंड काफ़ी कम प्राइस है, जिसमें आपको पूरा जो मटेरियल है स्टडी के लिए वो भी मिलेगा, साथ ही में आप अपने आप को टेस्ट भी कर पाओगे कि ओरल कितना जो स्कोर है आप कर पा रहे हो, ठीक है। तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, और कुछ चीज़ें पूछना होगा तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।